स्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम पूर्वक प्रणिपात पूर्वक निवेदन करते हैं, भगवान आज मेरा अहोभाग्य है, मेरे इस जनकपुर का अहोभाग्य है, आप जैसे संतों का चरण का स्पर्श यहाँ उपलब्ध हुआ। जिस राज्य में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस डगर में, जिस शहर में, जिस घर में संत महापुरुषों की चरणों की धूली उपलब्ध नहीं होती। हमारा शास्त्र व्यासी कहते हैं, व्यालाल दुमावैते अप्रिक्ताखिल संपदः। वो घर घर नहीं है, वो सांप के रहने वाले बिल हैं, जहां भयंकर विषधर क्रोध से सने हुए, काम से सने हुए नाग लोग रहते हैं, जिन घरों में संतों की चरणों की धूली का स्पर्श नहीं हुआ कभी, उन घरों को व्यालालय दुमावे पेत खिल संपदः, सर्पों के रहने के घर हैं। दूसरी ओर यह भी हमारा एक घर है, क्या यह भी एक, और इस घर का वो घर है, कौन जिसमें हम रहते हैं। हमारा घर तो वस्तुतः ये है जिसमें हम रहते हैं, वो जो ईंट पत्थर का मकान है वो तो इस घर का घर है, क्या इस घर का घर है वो हमारा घर नहीं है। और हमारा बोले तो हमको पता ही नहीं हम कौन है, हम ये हाडमास की पुतले नहीं है, क्या ये तो हमारा घर है, इसमें तो हम रहते हैं, न तो हम हाथ हैं, न पैर हैं, नाक है, आंख, कुछ भी नहीं है। इस शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है, अगर अच्छी वस्तु है तो परमात्मा है, पूरा परमात्मा का निवास स्थान है ये, बस वो परमात्मा जब तक है तब तक हमारी जो कुछ भी स्थिति है, और परमात्मा के नहीं रहने पर हमारे शरीर की कोई स्थिति नहीं है। तो इस जीवन में भगवान का अगर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ तो ये जीवन व्यर्थ है, और इस घर में अगर संत महापुरुष और भगवान का पदार्पण नहीं हुआ तो ये घर भी व्यर्थ है। तो उसके बाद में विश्वामित्र जी के चरणों में निवेदन किया, कैसे कैसे एक बार भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के हमारे लगभग 24 वीडी पूर्व देवरात नाम की जनक हुआ करते थे, उनको भगवान शिव ने एक धनुष दिया,
ये धनुष कौन सा था? भगवान शिव के पास एक धनुष था और एक धनुष भगवान विष्णु के पास था। एक बार सभी देवताओं ने आकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, बोले भगवान आप एक बात बताओ, इस धरती पर सबसे बलवान कौन है? भगवान विष्णु बलवान है कि शिव जी बलवान है? तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे तो पता नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसी विधि बनाता हूं कि इन दोनों में युद्ध हो जाए। अब दोनों में युद्ध होगा तो जो जीतेगा वो श्रेष्ठ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को कुछ ऐसा नमक मिर्च लगा करके दोनों को कुछ ऐसा उकसाया कि दोनों आपस में लड़ने लग गए। वाल्मीकि में लिखा है कि दोनों जब युद्ध करने लगे तो भयंकर उल्कापात, भयंकर चक्रवात प्रारंभ हो गया पृथ्वी पर, इतना और अनंत अनंत ब्रह्मांडों में लगा कि प्रलय हो जाएगा। और अंत तो गत्वा, इतना भयंकर युद्ध हुआ, दोनों में से कोई हारने को तैयार नहीं। और तब भगवान विष्णु ने एक हुंकार मात्र से भगवान शिव के धनुष को रोक दिया। और तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान मुझे आपसे हारने का कोई डर नहीं है, कोई संकोच भी नहीं है, आप महान हो और महान से हारने में किसी प्रकार का संकोच क्या? आप तो तुम्हें माता से पिता तुम्हें वह। और उसके बाद में बोले, ये धनुष ये पास में रहेगा तो फिर किसी न किसी से युद्ध करने का मन करेगा। तो उस धनुष को उन्होंने देवरात नाम के जन को प्रदान कर दिया। और भगवान विष्णु ने भी कहा, हम भी इस धनुष को आज से नहीं रखेंगे। उन्होंने इस विष्णु धनुष को, जो आप दोपहर में कथा सुन रहे थे, महर्षि ऋषि जिनके पुत्र जमदग्नि ऋषि हुए, उन महर्षि ऋषि को वह वैष्णव धनुष, शिव धनुष तो इन्होंने देवराज जी को दिया, और ये जो वैष्णव धनुष था इसको उन्होंने महर्षि ऋषि को दे दिया। महर्षि ऋषि उसका पूजन इत्यादि करते थे और उसके बाद में जमदग्नि ऋषि उसकी पूजा करते थे। उसके बाद में वही धनुष परशुराम जी को उपलब्ध हुआ। तो इसी कथानक को बताते हुए महर्षि जन महाराज जनक कहते हैं कि वो शिव जी का दिया हुआ धनुष हमारे कुल में पूजित हो रहा है। एक बार जब मेरी कन्या 5 वर्ष की थी, जो भूमि जाए, जो पृथ्वी को अकाल पड़ने के बाद में ब्राह्मणों के कहने से मैं धरती को सिंचित करके धरती को हल से जोत रहा था, तो धरती के अंदर अचानक कुछ टकरा गया। तो खोद के देखा तो उसमें घट था, घट के अंदर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। कन्या उपलब्ध हुई कमल के पुष्प के ऊपर, मैंने उसको पुत्री मान करके पालन किया। वह लगभग 5 वर्ष की जब थी, तो एक धनुष जो भगवान शिव का दिया हुआ है वो 8 पहिए वाली गाड़ी में, लोहे की बहुत बड़ी गाड़ी है, उसमें रखा हुआ है, उसमें उसकी पूजा होती है। उसको खींचने के लिए 5000 योद्धा, 5000 योद्धा जो हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हाथियों जैसे बल वाले बलशाली लोग, उसको कहीं इधर से उधर करना होता है। तब इतने लोग जब जोर लगाते हैं तब वो गाड़ी किसी तरह से इधर से उधर टस से मस होती है। एक बार किसी कारण से मैं पूजा में नहीं जा पाया तो सीता से कहा, बेटी तुम पूजा कर देना। तो वो वहां गई तो देखा चारों तरफ बहुत गंदगी है। तो सखियों से कहा, जरा देखो तुम पूजा की सामग्री पकड़ो, मैं जरा धनुष को उठा करके जगह बना के नीचे सफाई कर दूं। तो बाएं हाथ से धनुष उठा लिया और फिर सफाई करवाई और फिर उसको यथास्थान रख दिया। और ये समाचार सखियों ने महाराज से कहा, महारानी से कहा। महाराज ने कहा, बच्ची ने ये इतना बड़ा धनुष जिसको 5000 योद्धा धक्का दे करके गाड़ी से ठेलते हैं, इस कन्या ने उठा लिया। तुरंत ध्यान गया, ओहो आखिर ये पृथ्वी की बेटी है, इतनी बड़ी विशाल धरती की बेटी, आखिर धरती भी तो कोई सामान्य नहीं है। धरती जैसी बलवान कौन होगी जिसने नदियों को, समुद्रों को, पर्वतों को, हम आप सबको, गाड़ियों को, घोड़ों को, गाय गधे खच्चर ऊंट, कितना वजन है धरती के ऊपर, सारे इन पर्वतों सहित संपूर्ण समुद्रों नदियों के साथ संपूर्ण जगत की चराचर
जीवों का बोझा जिसने उठा रखा है वो कोई सामान्य थोड़ी। तो ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये कोई ईश्वरीय शक्ति है। अब मुझे चिंता हुई कि इस कन्या के लायक वर कहाँ खोजूंगा मैं। तो मैंने उसी क्षण प्रतिज्ञा कर ली, जिस धनुष को उस कन्या ने उठाया है इसका मतलब इतनी शक्तिशाली धनुष को उठाने के कारण ये स्वयं कोई शक्ति संपन्न कन्या है। तो मैंने निश्चय कर लिया इस धनुष को जो राजकुमार तोड़ेगा उसी के साथ में इसका विवाह करूंगा। और उस धनुष को तोड़ने के लिए महाराज वर्षों से यज्ञ चल रहा है मेरे यहाँ, अब तो केवल 10 दिन शेष रह गए यज्ञ की, और 10 दिन बाद मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। 10 दिन बाद में यज्ञांत में जब संपूर्ण देवताओं को, पहले हमारे जैसे यज्ञ नहीं होते थे, पहले यज्ञ में ब्राह्मण लोग शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करते थे, शुद्ध हविष्य अन्न उनको प्रदान करते थे। यज्ञांत में देवताओं को जब हवि उपलब्ध होती थी तो सारे देवता प्रत्यक्ष आते थे और अपना अपना हविष्य पदार्थ स्वयं ग्रहण करते थे, आशीर्वाद देके जाते थे। अब तो हम केवल चौकी पर सब देवताओं को बुला करके और वहीं पर पाद्योपाद्य मस्ति और मुखिया आज सर्वांगे स्नाने मनोज्योति युगता माज प्रतिष्ठा कर देते हैं, वहीं से विदा भी कर देते हैं। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने सुरेश्वर यजमान हृदयाथाय पुनरागमनाय च करके विदा भी कर दे, बुला भी देते हैं। अब वो आते हैं कि नहीं आते हैं, कि जाते कि नहीं जाते, फॉर्मेलिटी पूरी कर देते। पहले प्रत्यक्ष देवता आते थे, इसी बात को जनक जी कहते हैं आज के 10 दिन बाद में पूर्णाहुति के समय सभी देवता आएंगे, और उस समय देवता जब सारे आकर के अभिष्यान्न लेंगे तो आप भी उन सभी देवताओं का दर्शन करने के लिए इन दोनों भाइयों के साथ में पधारें। और साथ में मेरा एक निवेदन है, मेरी जो कन्या है देवरात दीक्षा तो निमिर्धेष्टो महीपति न्यासम तस्य भगवत हस्ते दत्तो महात्मनः। ये जो देवरात के हाथ में दिया गया धनुष है, इस धनुष को जिसको नृणाम शतानि पंचाशत गायतानां महात्मनां मञ्जोषामष्टचकरां तां सुमुहुस्तै कथञ्चनः, किसी प्रकार से 5000 योद्धा इसको इतस्तत करते हैं, इसको तोड़ करके अगर ये राजकुमार समर्थ हो जाएं तो मैं मेरी अपनी कन्या इनके साथ में विवाह करना चाहता हूँ। मेरी कन्या का ये पाणिग्रहण ग्रहण करें, मेरी ऐसी इच्छा से मम सुधा राजन विश्वामित्र पुरस्कृते यदिच्छागते राजन निर्जिता तव पुत्र के। मैं इन दोनों राजकुमारों में जो प्राक्रम देख रहा हूँ, वैभव देख रहा हूँ, सामर्थ्य देख रहा हूँ, आप इनको आदेश दें और ये धनुष तोड़ने के बाद में इस कन्या का पाणिग्रहण ग्रहण स्वीकार करें, मुझे इसमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और इस प्रकार से उनको यथास्थान ठहरा दिया। उस यज्ञ में वशिष्ठ वामदेव जाबाली कश्यप मार्कंडेय दीर्घ आदि आदि सभी बड़े बड़े ऋषि महर्षि आकर के उपस्थित हुए थे। तो महाराज सूर्य जी कहते हैं दिखाने के लिए उस धनुष को जनक जी लेकर के गए दोनों बालकों को विश्वामित्र के सहित। गत्वा चतुरः मार्गं देहानुभे उपेयमान राजा च जनक श्रीमान श्रुत्वा पूजाम कल्पयत। दर्शन करने जब गए तो भगवान ने खेल खेल में कहा आप आज्ञा करो गुरुदेव तो मैं इस धनुष को उठा के देखूं। तो गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान की और आज्ञा के साथ में ही राम जी ने खेल खेल में धनुष को उठाया, खेल खेल में प्रत्यंचा चढ़ाई, खेल खेल में धनुष को खींचा और उसी समय धनुष भंग हो गया। अब कथा तो बहुत लंबी है, मुझे विस्तार में नहीं जाना है। भ्राता में इसी बीच में धनुर्भंग होने के बाद में जनक जी बहुत प्रसन्न हुए और पुनः पुनः विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और अपने भाई कुशध्वज जो सांकायसन नगरी में रहते थे
वहां से निमंत्रण दिया, बोले भाई आ जाएंगे, वो मेरे संरक्षक हैं और उनके आने के बाद में विधि पूर्वक विवाह संपन्न होगा और उस विवाह का आनंद मेरे भाई भी लें, इसलिए भाई साहब को बुला लेता हूँ। आज्ञा लेकर के अपने भाई को बुलाया और ये कथानक हमको शिक्षा देता है कि विवाह आदि कार्यक्रम में अपने सारे संबंध, सारे रिश्ते नातों को बुलाना चाहिए परस्पर में, और एक साथ बैठ करके प्रेम पूर्वक किसी विशेष कार्यक्रम का संयोजन करना चाहिए। तो अपने भाई को बुलाया और उसके बाद में जनकपुर से दूत गए, दशरथ जी को सूचना प्रदान की। दशरथ जी अपने यहाँ से पूरी की पूरी बारात लेकर के आते हैं, पूरे अयोध्या वासियों। वहां हमारे महापुरुष कहते हैं जब दशरथ जी चलने लगे, तैयारी करने लगे, तो नारद जी पधारे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। नारद जी के चरणों में दशरथ जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा लगता है आप बारात लेके जा रहे हो। बोले हाँ। तो बोले कितनी बारात जा रही है। बोले पूरे अयोध्या वासी जा रहे हैं। बोले बस इतनी ही बारात। अरे जगत पिता का विवाह हो रहा है और सारा त्रिलोकी विवाह की प्रतीक्षा कर रहा है, सभी राम के विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। बोले हमारे पास समय बहुत कम है, संपूर्ण त्रिलोकी को एक साथ में निमंत्रण देना संभव नहीं, और इस समय कौन जाएगा इतने दूर जा करके, सबको निमंत्रण कौन देगा। बोले आप तो पीले चावल मुझे दे दो, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। त्रिलोकी को निमंत्रण देकर के नारद आएगा। दशरथ जी से पीले चावल लिए और नारद जी को तो जाने में कहीं विलंब लगता नहीं, सो तीनों लोकों में भ्रमण करके और सबके यहाँ वो चावल दे दिए। लोगों ने कहा बाबा इतनी जल्दी हम कैसे पहुंचेंगे। बोले ज्यादा कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, रात को चावल अपने आंगन में गाड़ देना, प्रातः काल जितने लोग हो उतने विमान तैयार हो जाएंगे। और इस प्रकार से विमान सबके यहाँ तैयार और विमानों बैठ करके साहब बारात के लिए तैयार होकर साहब जनकपुर में दशरथ जी के साथ में बराती बन करके तीनों लोगों के लोग जा रहे और गाते जा रहे हैं। हम बराती हैं जनकपुर को जाएंगे, हम बराती हैं जनकपुर को जाएंगे। किसी ने पूछा ये सब इतना सारा लाल लश्कर कहाँ जा रहा है। बोले ये दशरथ जी की बेटे की बारात है। तो कहा दूल्हा कौन है इसमें, अब तो सबकी गर्दन नीचे। अरे महाराज हमने पूछा दूल्हा कहाँ है, हम दूल्हा का दर्शन करना चाहते हैं, आप उत्तर क्यों नहीं देते हो। अब उत्तर क्या दें, दूल्हा था ही नहीं बारात में। ये पहली बारात है धरती की जो बिना दूल्हा के जा रही है, और दूल्हे ऐसे हैं जो पहले से आके लड्डू खा रहे हैं। तो जब कोई उत्तर नहीं मिला, प्रत्येक गांव के लोग पूछ रहे हैं, तो आखिर में दशरथ जी से जाके लोगों ने कहा महाराज सभी लोग पूछते हैं रस्ते में ये बारात जा रही है वो तो ठीक है, पर दूल्हा कहाँ है, हम उत्तर क्या दें। तो बोले हाँ ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, गुरुदेव के पास चलते हैं। गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव गुरुदेव बहुत बड़ी समस्या आ गई। अरे बोले क्या समस्या आ गई, बोले लोग पूछते हैं दूल्हा कहाँ है। अरे बोले ये भी कोई समस्या है, इतना छोटा सा प्रश्न तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं बना। बोले उत्तर बने तो तब जब दूल्हा हो। गुरुदेव ने कहा अरे राम लक्ष्मण तो नहीं है, भरत शत्रुघ्न तो है, उनको बता देते। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आप कहते तो ठीक हो, पर एक बात बताओ, इधर से इनको दूल्हा बना के ले जाएं और उधर बिना दुल्हन के लौट के आए तो इनके विचारों की क्या दुर्गति होगी। तो बोले दुर्गति क्यों होगी, इनका भी विवाह कर लाएंगे। बोले गुरुदेव एक बात बताओ,
वहां मैंने सुना है धनुष के ऊपर एक कन्या रखी गई थी दाव पर और उसको राम जी ने तोड़ा, तो राम ने तोड़ा तो राम के साथ ही विवाह होगा ना एक का, चार कन्या तो रखी नहीं थी वहां पर, चारों भाइयों का विवाह हो जाएगा। गुरुदेव बोले दशरथ तुम व्यर्थ में चिंता करते हो, हम चारों का विवाह मान के चलते हैं, वहां चारों का विवाह करके लाएंगे। तो बोले एक ही कन्या रखी थी दाव पर, एक रखी थी पर है चार वहां, मुझे मालूम है हमारे जैसे चार राजकुमार है वहां चार राजकुमारियां और चारों के साथ चारों का विवाह होगा, इसलिए आप तो निश्चिंत घोषणा कर दो बिल्कुल बैरंग नहीं लौटेंगे भरत और शत्रुघ्न, विवाह करके ही लौटेंगे। बोले गुरुदेव आप कहते हो तो आपकी बात पर तो विश्वास करना कोई उपाय, आजकल के गुरु थोड़े होते थे पहले, आजकल तो गुरु कम होते हैं, हमारे जैसे गुरु घंटाल ज्यादा होते हैं। यहाँ तक गुरु लोग कहते हैं बोले भगवान को तो बाहर कर दो हमारी पूजा करो, घर में से भगवान के फोटो फंकवा देते हैं और अपनी फोटो टंगवा देते हैं। कभी अगर ऐसा कोई गुरु मिल जाए ना तो थोड़ा दूरी बना के रखना, नहीं तो वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा, आपको भी नरक में ले जाएगा। जो भगवान राम कृष्ण को नहीं मानता है वो क्या कहें आपको, उसकी तो अच्छी तरह से ठुकाई होनी चाहिए। बहुत से लोग सत्संग करते हैं और राम कृष्ण को भगवान नहीं मानते और उनका सत्संग सुनने के लिए लोग जाते हैं और धीरे धीरे फंसा लेते हैं, उनको फंसा के अपने दल में शामिल कर लेते हैं। ऐसे तमाम निरंकारी लोग पता नहीं कौन कौन लोग घूम रहे हैं, वो सत्संग के नाम पर बुलाते हैं लोगों को और लोगों को पता नहीं सत्संग होता क्या है। मैं आपसे पूछूं कोई बताने वाला नहीं मिलेगा सत्संग किसे कहते हैं, ज्यादा ज्यादा कोई बताएगा तो कहेगा संतों का संग सत्संग होता है, ये गलत उत्तर है। संतों का संग ये सत्संग शब्द का अर्थ नहीं है। क्या शब्द क्या है? सत्संग। अगर संतों का संग शब्द का अर्थ होता तो शब्द बनता संत संग। क्या शब्द होता? संत संग। ये संत संग शब्द ही नहीं है तो संतों का संग अर्थ कैसे हो गया इसका? शब्द है सत्संग और सत्संग का सीधा सा अर्थ है जो सत्य है उसका संग करना। और सत्य क्या है? बोले सत्यनारायण भगवान की। सत्य केवल भगवान है, उनका संग करना ही सत्संग कहलाता है। और जो उसको ही नहीं मानता है उसका संग करना ये तो बतसंग है। ऐसे लोगों के साथ में लतसंग करना चाहिए। क्या? जो बतसंग करे उनके साथ में लतसंग करना चाहिए, पर लोग नहीं समझते हैं, भ्रमित होकर चले जाते हैं, फिर जिंदगी में रोते हैं। रामकृष्ण भगवान की फोटो में वो लोग बाहर फंकवा देते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं। अरे भाई जब रामकृष्ण भगवान नहीं तो तुम कौन हो? बोले हम गुरु हैं। गुरु किसे कहते हैं? जो भगवान से मिला दे। क्या? गो शब्दस्तु अंधकार रुरस्तु शब्दस्तन निरोधकः अंधकार निरोधित्वा गुरुरित्य विधीयते। गुरु शब्द की परिभाषा है हमारे यहाँ। गु शब्दस्तु अंधकार, गु शब्द का अर्थ है अंधकार, रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम है गुरु, और जो प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाए उसका नाम है गुरु घंटाल। राधे राधे, उससे दूर रहने की जरूरत है। प्रकाश है भगवान और अंधकार है संसार। जो प्रकाश यानी ज्ञान से अज्ञान की ओर धकेल दे ऐसे गुरुओं से दूर रहने में ही फायदा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी
गुरु आपकी गोविंद दियो लखाए। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। दोनों सामने खड़े थे कबीरदास जी के, दोनों में किसको धन्यवाद दें, किसको प्रणाम करें। तो कबीरदास कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी जय हो, गुरुदेव धन्य हो आपको, आपने बड़ी कृपा की जो गोविंद को बता दी। गोविंद का आपने पता बता दिया, गोविंद का जो पता बताए उसका नाम है गुरु। और गोविंद से हटा करके बोले हमारी आरती करो, हमारी पूजा करो, हमारे भजन गाओ। बोले गुरुजी जाकर के किसी गड्ढे में गिर मरो, हमको जरूरत नहीं है ऐसे गुरुओं की। आजकल कुछ ऐसे पंथ चल गए हैं। और एक और बात आपको बता दूं, गुरु बनने का अधिकार ब्राह्मण से अलावा किसी को नहीं। और आज सब गुरु बनने को तय, पैदा नहीं हुए भी, अभी खुद गुरु नहीं बनाया। छोटे छोटे बच्चे कथा, महाराज हमारे बहुत से चेले। मैंने कहा तुम किसके चेले हो? बोले हम तो खुद ही गुरु हैं। तो जिसकी कोई परंपरा ही नहीं है, ऐसे बिना परंपरा वाले जन्मभूमि में बैठे हैं राधे राधे, जिनकी कोई परंपरा नहीं है, स्वयं भगवान बन गए, स्वयं गुरु बन गए, खुद ने गुरु बनाया ही नहीं। वो उनके आचरण इतने, क्या कहें उनको, बुढ़ापे में भी जेल की हवा खा रहे हैं। जो परंपरागत परंपरा का पालन नहीं करते, स्वयं गुरु बनाते नहीं और स्वयं गुरु बनने की चेष्टा करते हैं, ऐसे गुरु घंटाल राधे राधे हमारे गुरुजनों को बदनाम करते हैं, साधु समाज को बदनाम करते हैं, इनसे बचना चाहिए। तो राम लक्ष्मण राजन गोदानम कार्यस्व वृद्धि पितरं स्वर्याति धर्मेण धुरमावहं भ्रातरं देव संकाशं स्नेहात् पश्यन कुशध्वजं। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं देखो राजन, जनक की दो कन्याएं हैं सीता और उर्मिला, और दो कन्याएं कुशध्वज के हैं मांडवी और श्रुति कीर्ति, इसलिए चिंता मत करो। तो बोले एक ही कन्या दाव पर रखी थी तो उरों का विवाह कैसे होगा? बोले दो की व्यवस्था विश्वामित्र कर लेंगे, दो की व्यवस्था हम कर लेंगे, मांग लेंगे। दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव हम सूर्य वंश में पैदा हुए और सूर्य वंशी हाथ कभी ऐसे ऐसे नहीं करता, ऐसे हाथ रखना तो आता है, ऐसे हाथ करना नहीं आता, मांग नहीं सकते हम। बोले मत मांगना राजन, तुमसे कौन कहता है मांगना, अरे हम ब्राह्मण किस लिए, ये काम हमारा है, मांग हम लेंगे। बोले फिर आपकी जिम्मेदारी आप जानो। और इस प्रकार से भरत और शत्रुघ्न दोनों को दूल्हा बना करके, और फिर जनकपुर में बारात जब पहुंची तो सिंह पर जब बारात पहुंचती है तो उस बारात की अगवानी होती है। ये पुरानी परंपराएं थी, अब तो धीरे धीरे सब परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। वहां पर जनक जी के यहाँ से स्वागत सामग्री पहुंची, जानते हो क्या पहुंची? तुलसीदास जी कहते हैं दधि चूरा उपहार अपारा भरी भरी कांवर चले कहारा। दधि और चूड़ा, आप लोगों में से शायद बहुत से लोगों ने दही चूड़ा नहीं खाया हो, क्योंकि राजस्थान में कम प्रयोग होता है इसका, विशेष करके बिहार में। और जनकपुर वासी दही चूड़ा बहुत खाते हैं। दही का रंग होता है सफेद और चूड़े का रंग भी होता है सफेद। किसी ने पूछा जनक जी कंगाल थे क्या, गरीब थे क्या, लड्डू पेड़ा नहीं भेजा, ये दही चूड़ा क्यों भेजा? सज्जनों अब तो लोग पैसे का दिखावा करते हैं विवाह शादियों में, पहले पैसे की महिमा नहीं थी, परंपराओं की महिमा थी। और हर परंपरा हमको कोई शिक्षा देती है। क्या आज तो हमें पता ही नहीं विवाह में क्या क्या परंपराएं होती है और क्यों होती। एक छोटी सी परंपरा भी होती थी तो उसका कोई रहस्य होता था। जैसे एक छोटी सी परंपरा आपको बताऊं,
जिस कन्या का विवाह होता है, आप लोगों के घर में भी होता होगा, उस कन्या से मंगोड़ी छुटवाते हैं, छुटवाते हैं। आप लोगों ने मोड़ी छूटी है, चूंटी है, चुटवाई भी होगी, चूंटी भी होगी, आगे भी चुटवाओगे।